नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटागी। 1440 मीटर की चुनरी शीतला माता को की अर्पित, हजारों श्रद्धालुओं ने उठाया धर्म लाभ। हटा बुंदेलखंड की उपकाशी कही जाने वाली धर्मपराय नगरी रविवार का दिन एक बार फिर से दर्ज हो गया, जब यहां पर ऐतिहासिक चुनरी यात्रा के साक्षी हजारों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। विंध्यवासिनी माता मंदिर से शीतला माता मंदिर को चढ़ाई जाने वाली 1440 मीटर चुनरी यात्रा का आरंभ विशेष पूजन अर्चन कर सुप्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने रवाना की, जहां आतिशबाजी व गाजे बाजे के बीच चुनरी के एक छोर को महिलाओं की टोली ने आगे बढ़ाया और यह श्रृंखला लगभग 2 घंटे तक चलते चलते माँ शीतला मंदिर पहुँची, जहाँ विधि विधान के साथ माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। यात्रा के दौरान सबसे पहले DJ की धुन पर बच्चों की टोलियाँ थिरक रही थी, आतिशबाजी बालिकाओं की टोली कलश लिए गायन पार्टी, उसके बाद हजारों की संख्या में चुनरी को थामकर चलने वाली महिलाओं की लंबी श्रृंखला रही, जो देखने वाले के लिए एक अनूठा और अद्भुत अनुभव रहा है। स्थिति यह रही कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई वाली चुनरी के एक छोर को माता के लिए अर्पित किया गया, जबकि दूसरा छोर शंकर जी के चबूतरा से ही चलायमान रहा है। इस दौरान चुनरी पूजन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन स्थानीय लोगों को कमान सौंपी गई, जो कि मानव श्रृंखला बनाकर अफरा तफरी का माहौल रोकने का सफल कार्य करते रहे, जबकि आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जगह जगह हुई पुष्प वर्षा। शंकर जी के चबूतरा विंध्यवासिनी माता मंदिर से आखिरी छोर शीतला माता मंदिर तक पूरे समय चुनरी पर पुष्प वर्षा की जाती रही और धर्ममय इस माहौल के बीच यात्रा के काफिले का स्वागत सत्कार एवं चुनरी पूजन भी लोगों के द्वारा बृहद पैमाने पर किया गया, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम भाइयों सेंट्रल बैंक के पास राय चौराहा, तीनवत्ती तिगड्डा, रत्न बजरिया सहित जगह जगह लगभग हर घर के बाहर महिलाओं द्वारा चुनरी को पूजा गया। चुनरी यात्रा में फतेहपुर के महंत रामानुग्रह दास जी महाराज, छोटे सरकार शशि दुबे, सुरेश पांडे, कन्हैयालाल गौतम, पुष्पेंद्र हजारी, डॉक्टर विजय सिंह राजपूत, उमेश चंद बजाज सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट।